शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और मंडी हल्के के सांसद राम स्वरूप शर्मा का कार्यकर्ताओं ने रामपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। चुनाव जीतने के बाद मंडी हल्के के सांसद लोगों का धन्यवाद करने रामपुर पहुंचे। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी भी कुछ देर रामपुर रुके और कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने भी सांसद को चुनाव जीतने पर बधाई दी। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और मंडी हल्के के सांसद राम स्वरूप शर्मा का कार्यकर्ताओं ने रामपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। चुनाव जीतने के बाद मंडी हल्के के सांसद लोगों का धन्यवाद करने रामपुर पहुंचे थे। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी भी कुछ देर के लिए रामपुर में रुकी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने भी सांसद को चुनाव जीतने की बधाई दी। इस दौरान सरवीण चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर जरूरतमंद व्यक्ति के संसाधनों के लिए आगे आए। जिस तरह से लोकसभा चुनावों में जनता का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन मिला है, उस विश्वास को कार्यकर्ता बनाए रखें। मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने रामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रामपुर की जनता का पिछले लोकसभा चुनावों में भी आशा से बढ़कर उन्हें समर्थन मिला है। इस बार लोगों ने जो विश्वास उन पर जताया है, उसे वे टूटने नहीं देंगे। कांग्रेस कार्यकाल के रुके हुए कार्यों को वे गति प्रदान करवाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद केंद्र की योजनाओं को लंबित किया जाता था, अब प्रदेश में भी जयराम सरकार है और विकास के मामले में तेजी से आगे बढ़ रही है और अब विकास को डबल इंजन काम करेगा। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार का 16 माह का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था। इसे लेकर लोकसभा चुनावों में लोगों में भारी उत्साह था। उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा हलके से उन्हें 4,05,000 की लीड मिली है, जिसकी अपेक्षा उन्होंने भी नहीं की थी। ये सब जनता का उत्साह और कार्यकर्ताओं की रात दिन की मेहनत है। मंडी पार्लियामेंट देश का दूसरा बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और बहुत सी यहाँ की परिस्थितियाँ और यहाँ की जो बहुत सी योजनाएं जो लंबित पड़ी हैं, मैं चाहूँगा कि पहले उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयत्न करूँगा। तो पिछले कार्यकाल में तो 4 साल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, जो योजनाएं केंद्र से आती थी उनको लंबित कर दिया जाता था, लेकिन अब प्रांत के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी हैं और वो मंडी पार्लियामेंट से हैं, इसलिए जो वर्षों पुरानी योजनाएं उन योजनाओं को धरातल पर उतारना